2000 रुपया जंगल में मंगल करने का खर्चा पूरा 5000 रुपया है। 5000 रुपया वो कैसे रे? 2000 गाड़ी भाड़ा और 3000 खाना पीना की। और तब तक 2000 रुपया गाड़ी भाड़ा ले और जब खाएंगे पियेंगे तकने वाला खर्चा हम देख लेंगे। वो सब हम नहीं जानते हैं, हमको पूरा पैसा पूरा के लाओ। पिछला बार भी तू घूमने गया तो खा लिया, बिल हमको देना पड़ा। अब बाद में इसे पैसा भी मांगने गए तो नहीं दे रहा था, तो क्या करे? हाथ दर्द भाभी जी से मांगने गए तो भाभी जी बोली हमारे पास तो पैसा नहीं है, एक काम कीजिए हमने ले लीजिए। तो क्या किया दोस्त, ले लिया? तो क्या करते, मजबूरी में एक टिप ले लिए, लेकिन मजा बहुत आया। टेंशन ना लो राजू दोस्त, ये बार का खाना पीना का खर्चा हम देंगे। रे एकर खाना पीना का खर्चा तू कहे देगा रे? अरे साला पैसा बांधे मांगने जाएंगे, कहीं खुश होके भाभी एक बार हमरो दे दे। रे बहन चो सब रे कथी कुत्ते लेके झगड़ा करे छे, चलबे कि नहीं चलबे? ना तो जा रहलियो हम अपन गाड़ी लेकर। ए तंदा रुकिया ना, तनी हिसाब बारी कर लेते हैं ड्राइवर साहब। तुम अंधर भोसर पप्पू डोरम कितना बार बोले है कि गाड़ी के ड्राइवर नहीं गाड़ी के मालिक है, पूरा खून पसीना के कमाई से खरीदे हैं गाड़ी। चल चुपचाप बैठ नहीं तो भागिए जाएंगे। ठीक से बैठ नहीं तो गाड़ी में तन को खोया चलो ना तो दंड के साथ साथ लंडो ले लेबो। हां हम देंगे लंड, हम देंगे। अरे साला ये गलती से बोला गेलो, चल बैठ। ए छोरा ठीक से बैठ, साला जहर जाई छे बाप के जिरा दो। आ गाड़ी के मालिक साहब आप पूरा दिन बाहर काम करते हैं फिर भी आपका चेहरा इतना ब्राइट कैसे है, मतलब कितना शाइनिंग और क्लियर कैसे है? ये बात ना हमरा से बहुत लोग पूछता है, एक सीधा साधा आंसर है कि हम बाकी लोगों की तरह फेयरनेस क्रीम यूज नहीं करते हैं। फेयरनेस क्रीम यूज करने से कथी होता है, तनका देर के लिए मुँह पर ब्राइटनेस आ जाता है, मुँह सुंदर दिखने लगता है, और फिर मुँह धोने के बाद वैसे के वैसे चेहरा रहता है। तो फेयरनेस क्रीम यूज करने से कौन फायदा है, इसीलिए हम फेयरनेस क्रीम को रिकमेंड नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं मुस्टेक का हर स्किन लाइटनिंग ऑयल प्लस ओशियन फेस वॉश का कॉम्बो, बेसिकली ये परफेक्ट है मेंस के लिए, रियल मैन का रियल प्रोडक्ट है। अरे वाह, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं? बेसिकली ये ऑयल ना नेचुरली हमें अंदर से ब्राइट बनाता है, जिसके कारण हम नेचुरली गोरे दिखते हैं। इसे यूज करना बहुत आसान है, चलो हम बताते हैं कैसे यूज किया जाता है। ये ऑयल को 3 से 4 बूंद अपने हाथ पर रखना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस ऑयल में ना हल्दी और एलोवेरा का गुण है, तू तो जानता ही है कि हल्दी एलोवेरा कितना फायदेमंद है चेहरा के लिए। तो 10 मिनट के बाद मुंह को धो लेना है ओशियन फेस वॉश के साथ। तो ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है और ये मेरा पर्सनली फेवरेट भी है। इसमें सैलिसिलिक एसिड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे चेहरे को अंदर से क्लियर और ब्राइट बनाता है, जिससे हम नेचुरली गोरे दिखते हैं। ये कॉम्बो बिल्कुल परफेक्ट है मेंस के लिए, तो मैं यही यूज करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब कि मिलेगा कहाँ और कौन से मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा? अरे कोई मार्केट उड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके चुपचाप ऑर्डर कर लो, हम अभी खरीदते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी इस कॉम्बो को जरूर ट्राई करना चाहिए, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं डेली यूज करता हूँ, तो आप लोगों को भी यूज करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जाइए अभी खरीदिए। और हाँ, अभी सुपर डुपर सेल चल रहा है तो बहुत सही दाम में मिल जाएगा अभी प्रोडक्ट। गाड़ी के मालिक साहब तनी बाजा उजा बजाइए ना, मजा नहीं आ रहा है। चुप कर बैठ, गाना उना नहीं बजेगा, कहीं बाजा खराब हो गया था, पूरा खून पसीना है कमाई से खरीदे हुए गाड़ी। तो कौन गाड़ी मरवा के खरीदता है? हम तू खरीदता है, तोर बाप खरीदता है। गाड़ी के मालिक साहब तनिया गाड़ी रोकिएगा तो दुकान के पास में कुछ खा पी लेते हैं, हमको भी खिलाना होगा। अरे गाड़ी के मालिक साहब कैसन बात करते हैं, आपको कैसे भूल जाएंगे? हाँ ठीक है रोकते हैं। अरे आइए आइए खाइए, एकदम लाल लाल मीठा मीठा तरबूजा, एकदम रस से भरा हुआ तरबूजा। अरे मैडम आइए खा लीजिए हमर वाला केला। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए बताइए, खिलाइएगा दा तन का तरबूजा? हाँ जी जी भाई साहब आ लीजिए, लीजिए आप भी लीजिए, लीजिए भाई साहब। दोस्त ठीक से खाना नहीं तो फिर में जाकर बिया जन्म जाएगा। अरे बाप रे अब क्या होगा रे, हम देखो बिया घुट गए। अब कथी होगा, गांड फाड़ के तरबूजा का पेड़ जन्मेगा।
शेरी के आंगनबाड़ी फेल आदमी सब। अरे अब बिया कहीं पेट में जन्म क्या है, रुपया पैसा दिया चल हमारा हो गया। हाँ भाई जब गर्व हुआ अब पूरा 50 रुपया हुआ है। कौन आदमी दीजिएगा जल्दी बताइए। हमारा पास पैसा वैसा ना है, हम नहीं देंगे। के अब भाई साहब हम देते हैं, रुक साले तोहर मौगी के एक बार और लेंगे। हाँ लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब कैश नहीं, ओनली जी पे। ठीक है ठीक। अब भाई साहब जी पे माने गूगल पे नहीं, गार पेल। गार पेल? हाँ भाई साहब, तरुजा के बदले गार बनवाना पड़ेगा। आइए चलिए झाड़ी में। सिस्टम है रे? आ भाई साहब जल्दी कीजिए, बहुत कस्टमर को देखना है। अरे भाग रहे ना तो गार मरवाना पड़ जाएगा। आज पकड़ा जाता तो मार मार के गार चिपचिपा कर देता बेटा तू लोगों का। हमरा कहा जाता, हम तो ड्राइवर आदमी है भाई, गोर हाथ जोड़ के निकल जाते। ड्राइवर कैसे बोल दिया तुरंत के लिए पार लगाएंगे। कितना बोले है कि गाड़ी के ड्राइवर नहीं गाड़ी के मालिक है हम। अरे कोई पीछे से अभी गुजरा है ना? अरे मर्दे जंगल है तो सांप गुजर गुजरबे ना करेगा। ना ना सांप नहीं था, कोई उज्जर उज्जर टाइप के गुजरा है। मर्दे चलते ना कहते, जल्दी से यहाँ से निकलिए, चलिए। हाँ हाँ चल चल चल। रुकिए चंदन में कहाँ चला गया? चंदन? चंदन तो अपने सीधे हुए डरते हुए भाग गया। साला यह एगो मौसी का दर्द है रे। चंदन हो गया, गाड़ी के मालिक साहब हम नहीं मारेंगे, आ जाओ चंदन। रे चंदन, चंदन, रे चंदन, ए गाड़ी के मालिक साहब चलिए ना। ना ना हम ना जाएंगे, तुम लोग को जाना है तो जाओ, हम जा रहे हैं घर। ए तो बाप के लड़ा भरा लीजिएगा, सब पैसा ओकरे पास है। ठीक है चलो। चंदन, 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 रे चंदन तोर माइक। चंदन, रे चंदन, चंदन, दोस्त भूतनी इधर के होगी। हाँ पर हुआ क्या है? अरे दोस्त का बताए, पहली बार किसी के साथ सेक्स किए, वो साला बीच में छोड़ के चली गई, अभी तक टंटन आए ले है। अरे बाप रे बाप रे, साला भूत के तू सेक्स कर दिया रे। अरे साला भाग जल्दी से यहाँ से, साला तुम लोग को कौन रहते रे कि यहाँ भूत है जंगल में। ए बाप चंदना के बेटा मोटका हमार मार लिया है। खून का बदला खून से लिया जाता है,
तो गाड़ मारने का बदला गाड़ मार के लिया जाएगा। भूत फैमिली हमला करो, अपने लंड से इस सब का गाड़ खंड खंड कर दो। रे साला भाग ना, तो अपने से के गाड़ मार के गाड़ चिपचिप कर देगा। भाग रुको, सब चारों दिशा में फैल जाओ। डरिए नहीं हम लोग हैं। अरे ये चंद्रमा कहाँ रह गया? पता ना साला कहाँ रह गया। ये साला मुटका के भगाऊ नहीं होता है। रे दोस्त, दानी आओ ना रे, दानी बच जाओ ना। मामा मार लिया है कि? हाँ। तीनों मिलके मारा है? अब पता नहीं, पकड़ के ले गया, आग बंद कर दिया, कभी मोट कभी छोट डाला था। अच्छा, इसका मतलब तीनों मिलके बारी बारी से लिया है। दोस्त सीधा हॉस्पिटल चलो, आईपीएल का दवाई लेना है। कहला रे, कहीं गर्भवती हो गया तो? हर साला लड़का गर्भवती नहीं होता है, लड़की गर्भवती होती है। भूल गए थे। अरे डॉक्टर पूछे है कैसे फट गया है, तो कथी बोलेगा? हम बोल देंगे कि खोचा है, बस पर बैठा गया था। हाँ बैठ बैठ, गाड़ी में जल्दी से बैठ। चलो अच्छा बहाना है, ठीक से बैठना गाड़ी में। ठीक है। सुनिए ना, गाड़ी तनी ठीके से चलाइएगा ड्राइवर साहब। गाड़ी के ड्राइवर नहीं, गाड़ी के मालिक हम। पूरा खून पसीना है कमाई से खरीदे हुए हैं गाड़ी, माधरचोद। हाँ हाँ, गाड़ी के मालिक साहब, गलती से बुला गया है, तनी जल्दी चलिए, बहुत दुखा रहा है। गाड़ी हम बकना नहीं चाहते हैं, फिर भी गाड़ी बकवा देता है माधरचोद। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ मुश्टेक का ये कम्बो जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी ऑर्डर कीजिए।